नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सीएम बोले, फ्लैगशिप परियोजनाओं से जुड़े एफसीए और एफआरए मामलों के निपटारों में तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला में वन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को वन संरक्षण अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम मामलों के निपटारे में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि विकासात्मक परियोजनाओं का कार्य शीघ्र शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल और हेलीपोर्ट के निर्माण जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की समयबद्ध स्वीकृति महत्वपूर्ण है। हिमाचल स्वास्थ्य सेवाएं निगम के बोर्ड का गठन, सरकार ने जारी की अधिसूचना, मंत्री होंगे अध्यक्ष। हिमाचल स्वास्थ्य सेवाएं निगम के बोर्ड का गठन किया गया। इसमें स्वास्थ्य मंत्री अध्यक्ष होंगे, प्रधान सचिव व सचिव बोर्ड के उपाध्यक्ष होंगे। बोर्ड में 5 अन्य निदेशक बनाए हैं। इसमें ACS वित्त, निदेशक उद्योग, कंट्रोलर स्टोर, निदेशक स्वास्थ्य और प्रबंध निदेशक HPMSC शामिल हैं। स्वास्थ्य सचिव एम सुधा ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी की। राज्य चिकित्सा निगम सभी दवाओं, औषधियों, सर्जिकल चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों, चिकित्सा उपकरणों, मशीनरी और सेवाओं, किसी भी अन्य वस्तु की खरीद और वितरण के लिए एक राज्य खरीद एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। 1100 रुपए देकर लिफ्ट से सीधे चिंतपूर्णी मंदिर पहुंच सकेंगे श्रद्धालु, ट्रायल पर नई व्यवस्था शुरू। प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी के दर्शन अब श्रद्धालु आसानी से कर पाएंगे। लिफ्ट से होकर सीधे मंदिर तक पहुंचने के लिए सुगम दर्शन पास मिलेगा, जिसका श्रद्धालुओं को 1100 रुपए शुल्क चुकाना होगा। इस पास से एक बार में 5 सदस्य जा पाएंगे। इस तरह दिव्यांग व बुजुर्ग श्रद्धालुओं को अटेंडेंट के लिए 50 रुपए अदा करना होगा। शुल्क अदा करने के बाद श्रद्धालु OTP सत्यापित करवाकर लिफ्ट से मंदिर परिसर तक पहुंच सकता है। हिमाचल में 100 से अधिक सड़कें ठप, जाने 14 अगस्त तक का मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में जगह जगह भूस्खलन के चलते 100 से अधिक सड़कें अभी भी यातायात के लिए ठप हैं। मंगलवार शाम तक राज्य में करीब 171 सड़कें यातायात के लिए बंद थी। उधर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 14 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अनुराग ठाकुर बोले, हिमाचल में PMGSY में बनेंगी 2700 किलोमीटर सड़कें। केंद्रीय सूचना प्रसारण व युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से मिले। अनुराग ठाकुर ने ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री से भेंट के दौरान बारिश व बाढ़ से हिमाचल में सड़कों व घरों को हुए नुकसान से राहत देने का अनुरोध किया है। बागवानी मंत्री बोले, आरती और लदानी मनमानी करें तो सीधे मुझसे करें शिकायत, तुरंत होगी कार्रवाई। सेब की बिक्री किलो के हिसाब से न करने और 2 किलो की अवैध काट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मंडियों में आड़ती और लदानी अगर मनमानी करें तो बागवान सीधे मुझसे शिकायत करें, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि बागवान आगे आकर लिखित शिकायत करें। तहबाजारियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र बनाए हिमाचल सरकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने तहबाजारियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र बनाए जाने के आदेश दिए। अदालत ने राज्य सरकार को कहा कि वो मामले की आगामी सुनवाई के दौरान तंत्र के गठन के संबंध में अदालत को बताए। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 17 अगस्त को निर्धारित की है। महिलाओं ने रस्सी से खींच दलदल से निकाली पिकअप गाड़ी, वीडियो वायरल। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में गहरा पीहरा मरौर संपर्क मार्ग पर दरू मकड़ी नाले में पिकअप वाहन दलदल में फंस गया। वाहन को ग्रामीण महिलाओं ने रस्सी के सहारे खींचकर बाहर निकाला। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड इंजीनियरिंग डिप्लोमा डी फार्मेसी परीक्षा में पकड़े 93 नकलची। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की ओर से जून जुलाई में इंजीनियर डिप्लोमा और डी फार्मेसी की परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। परीक्षाओं में बोर्ड की ओर से 93 अभ्यर्थियों को नकल करते पकड़ा गया। इसमें से 26 अभ्यर्थी CCTV के माध्यम से रखी जा रही निगरानी के दौरान पकड़े गए। हर्षवर्धन चौहान बोले, 4 लेन निर्माण के लिए पहाड़ों की कटिंग और जंपिंग सही नहीं।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि प्रदेश में फोरलेन निर्माण के लिए गलत तरीके से की जा रही कटिंग और जंपिंग आपदा का कारण बन रही है। उद्योग मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य पर सवाल उठाए हैं। खाद का संकट बरकरार, आपूर्ति पहुंचते ही गोदाम खाली। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 महीने से चल रहा खाद का संकट जारी है। अब खाद तो पहुंच रही है लेकिन मांग के मुकाबले आपूर्ति नहीं हो पा रही। गाड़ी पहुंचते ही बिक्री केंद्रों में किसानों के बीच मारामारी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी किसानों को जरूरत के मुताबिक खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आपूर्ति आते ही गोदाम खाली हो जा रही है। इस समय खरीफ की फसलों के लिए खाद की बेहद जरूरत है। अटल मेडिकल विश्वविद्यालय पीजी कोर्स के लिए 816 अभ्यर्थी चयनित, 10 तक मांगी कॉलेज चॉइस। अटल मेडिकल और रिसर्च विश्वविद्यालय नैचौक में यूजी के साथ ही पीजी कोर्स के लिए भी काउंसलिंग शुरू हो गई। पहले राउंड की फाइनल मेरिट सूची भी जारी कर दी गई। ऐसे में एमडी, एमएस, डीएनबी और एमडीएस के लिए 816 अभ्यर्थियों के नाम शामिल किए गए हैं। चंडीगढ़ शिमला एनएच बहाल, छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू। भूस्खलन के बीच चंडीगढ़ शिमला रास्ते उच्च मार्ग पर चक्की मोड़ से वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। सुबह करीब 11:40 पर मार्ग को छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल किया गया। इसके बाद 12:40 पर अचानक फिर पहाड़ दरक गया, जिस पर फोर लेन निर्माता कंपनी के कर्मचारियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए आधे घंटे के भीतर सड़क से मलबा हटाकर इसे बहाल कर दिया। छोटे वाहनों की आवाजाही वहां से सुचारू बनी हुई है। पीजीटी मेडिकल व नॉन मेडिकल में भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के भरे जाएंगे 39 पद, जानिए डीटी। शिक्षा निदेशालय शिमला द्वारा टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल में टैच पास के बैच आधार पर 39 पद भरे जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी अक्षय शर्मा ने बताया कि टीजीटी नॉन मेडिकल में भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के अनारक्षित वर्ग में अप टू अगस्त 2023 बैच, ओबीसी में अप टू दिसंबर 2005 बैच, एससी में अप टू दिसंबर 2018 व एसटी श्रेणी में दिसंबर 2021 बैच के आधार पर भरे जाएंगे। हिमाचल के छात्रों को बड़ी राहत, एचपीयू ने एडमिशन की लास्ट डेट बढ़ाई, जान ले कब तक कर सकेंगे आवेदन। दाखिले से वंचित प्रदेश के हजारों छात्रों को सरकार ने बड़ी राहत दी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने कॉलेजेस में दाखिले की तिथि को 20 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई। पहले कॉलेजेस में दाखिले की तिथि जुलाई महीने में खत्म हो चुकी थी और 1 अगस्त से नियमित कक्षाएं शुरू हो चुकी है। हिमाचल में होगी अमेरिका के इस खास एलोवेरा की खेती। सुंदरनगर में लगाए गए 50,000 पौधे अब मालामाल होंगे किसान। अमेरिका में पाए जाने वाली औषधीय गुणों से भरपूर एलोवेरा बारबाडेंसिस मिलर की खेती अब किसानों को मालामाल करने वाली है। जायका वानी की परियोजना के तहत सुंदरनगर के ध्वाल व हराबाग में इस वैरायटी के 50,000 पौधे लगाए गए। जूस तैयार करने वाली हमीरपुर की एक निजी कंपनी के साथ एमओयू साइन किया गया है। कंपनी एलोवेरा के प्लांट उपलब्ध करवाने के साथ साथ उत्पादकों से इसकी पत्तियों की खरीद करेगी। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।